मम्मी ये क्या सीन है? ये जनाब ग्लेज्ड, हाँ ये नया एक ब्रांड है तो जो अरे वाह वाह वाह, इसके साथ ये अलग सी स्वीट में तो ग्लेज्ड, और ये ग्लेज्ड की ब्राउनी है। ओके और ये क्या है भाई, ये क्या सीन है? ये बड़ा कुछ मुझे खतरनाक सा लग रहा है इस पर टैग का। हालांकि मैंने ब्रश कर लिया है, टाइम इस वक्त बहुत लेट है। इस टाइम मैं अभी वैसे कुछ खाना तो नहीं मुझे चाहिए, लेकिन बट स्वीट ड्रीम, जरा स्वीट ड्रीम, जरा अच्छे अच्छे ख्वाब आएंगे खाने से, स्वीट ड्रीम्स आएंगे, तो आई थिंक आई शुड ट्राई दिस वन। ताकि हम पता है कि हम जब तक ये स्पून ये लेयर्स को इंस्पायर्ड होकर, इन्होंने पहले ये स्पून नहीं देते थे, पहले भी पापा लेकर आए थे, लेकिन इस पर स्पून इसके साथ नहीं, इसकी शॉप है ना लेयर्स वाले, लेयर्स के साथ बहुत सारी वो तीन वो देते, ये दो देते। चलो ठीक है, पहले इनका ये नहीं था, ये स्पून वाला सीन बिल्कुल नहीं था। खैर अब इसको ट्राई करते हैं। मुझे डिलाइट लगती है कोई ज़बरदस्त किस्म की, दबा के फड़ो ज़रा। हाय हाय हाय, लो जी ये क्या है, व्हाट इज दिस? हाय 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 हाय, अमेजिंग, क्या बात है यार, जबरदस्त टेस्ट आला, वाह वाह वाह, जवाब दिया उन्होंने। क्या बात है यार, मैं कैमरा ऑफ करने लगी हूँ क्योंकि अब मेरा ध्यान इधर है। बाय बाय है, तीन चार चीज़ें मिक्स है यार, इस पर पाइन एप्पल और जैसे हम केक खाते हैं ना उस तरह सबका टेस्ट आ रहा है, मज़े का है। पापा हमसे नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ये बहुत टेस्टी है, मोल्टन लावा है ना? ना ये ब्राउनी और ये मॉडल लावा से बोर हो गई हूँ फुल। ब्राउनी ये वो है न्यूटेला, न्यूटेला, अच्छा अच्छा अच्छा, मॉडल लावा अख्तर लावा। इसका टेस्ट इतना वो जैसे वो होता है ना फ्रेश केक, उसको थोड़ा सा और चिल कर दो और उसका टेस्ट थोड़ा सा और डिफरेंट कर देना, ऐसे डिलाइट ही होती जैसे मैंगो तो होती है उसमें, मैंगो डिलाइट है। और क्या टेस्ट है यार, ये कमाल है, ये कमाल है, अब ये मेरी डाइटिंग खराब करेगा फिर आप मुझे कहोगे मोटी होगी। हेलो जी, ना मुझे और मामा मुझे पहले कह रही हूँ कि मेरा वेट गेन हो रहा है, गेन हो रहा है, तुम्हारा भी और मेरा भी हो गया है, ये खा खा के स्वीट्स, ये डिजर्ट खा खा, ये खाए जो स्वीट ड्रीम आए थे। गुलाब जाम, ये मौला अली का मोजा पड़ा है और जनाबे मामे मुसाई काजम के पास। चलो
फ्रूट्स पे पड़ता है। अच्छा किशमिश पे भी पड़ते हैं। नमाज पढ़ ली अपनी? हाँ जी, बस नमाज पढ़ के खाओ। मम्मा ने 3 मरतबा कलर चेंज करवाए हैं और अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, और थोड़ा सा हो रही है कि शॉप वाला क्या बोलेगा कि आपने 3 दफ़ा कलर चेंज किया। मैंने कहा सारा ब्लेम मेरे पे डाल दें, तो मैं अब मम्मा को कह रही हूँ कि कोई टेंशन नहीं, आप मेरे पे डाल लेते सारा ब्लेम कि मैं इसके लिए पसंद कर रही थी तो इसको मतलब नहीं अब समझ आ रही थी, तो अब मैं इसको साथ लेकर आई हूँ। अब आप ऐसे करना ना मम्मा, आपको जो पसंद है ना कलर आप वो मुझे बता दें, मैं बोलूँगी ये मेरा फेवरेट है। हाँ, वो कैसा स्किन कलर का तुम्हें पता है? मैं कभी भी कंफ्यूज नहीं हूँ, हालांकि तुम ज्यादा हो जाते हैं, मैं ज्यादा कंफ्यूज होते, लेकिन इस दफा मैं मम्मा को कह रही चले आपको हो रहा है कि यार ये क्या बोलेंगे, तो मैंने कहा आप मेरे पे डाल दे, मैं बोलूं कि ये मैंने मुझे नहीं पसंद आ रहा था। अच्छा, अब तुमने ना फुल कहने कि भाई ये ऐसे ऐसे मैंने मुझे ये कलर पसंद, एक्चुअली वो डार्क वो होता है, मुझे लग रहा है मुझे अच्छा नहीं लगेगा। चले ठीक है डन, मैं बोल दूंगी। अच्छा स्किन कलर में? हाँ डन, चलते हैं। जो मैं कहूँ ना ये अच्छा है, क्या ख्याल है? तो समझना मैंने यही देखा, जो मैं बोलूँगी ना कि क्या ख्याल है निशा ये अच्छा है, तो तुम समझ जाना ये पसंद है। ओके, ये फाइनल कर दूँ? आप बोला ये फाइनल कर दूँ, मैं समझ जाऊंगी कि हाँ ये वाला आपको पसंद है। आप तुमने मुझे बचाना प्लीज, मैं ना ठीक है मसला ही कोई नहीं है, असल में मैं ऐसी हूँ ही नहीं, मसला कोई नहीं। अच्छा चाबी के साथ निकाल, चलो ठीक है, चलते आप बताएं मैं कौन सा लूँ, कौन सा खरीदूँ, आप ये बताएं कुछ पॉइंट। इसके साथ की भी लाना भाई। हाँ ये अच्छा है, हाँ ये ठीक है, नीचे भी देख लेते हैं जिधर आपके पास, नीचे येलो है, वाह, तो फिर आपको करने में कोई मसला नहीं है? बोलो ये अच्छा है, पसंद है, ये पसंद है आपको? हाँ जी ये पसंद है, ये पसंद है। आप ना मुझे कहती नहीं, कहती नहीं, कहती बहुत शुक्रिया। हाँ देख लें, वो मैंने भी कुछ भी नहीं किया होगा, वैसे तो वैसे ही पड़ा होगा। ईजी था तुसी एवं एम्बेरिस हो रहे सो। अच्छा मुझे पहले लगा कि वो भाई कह रहे कि 10 दिन के बाद नहीं होता, मुझे पहले ये लगा। हाँ सच्ची मुझे ऐसे लग रहा था। अच्छा वैसे मैं तो यहाँ से मैंने नहीं खरीदते, लेकिन ऐसे बस दिखा देती हूँ, मुझे अक्सर सब मेरे कज़न, मेरी कज़न फ्रेंड्स, मेरी सिस्टर मुझे सब कहते हैं दिखा दिया करो ब्लॉग में कि मून मार्केट में क्या क्या आता है, कुछ भी जो भी नया है तुम दिखा दिया करो, तो मैंने कहा सोचा दिखा देती हूँ। खरीदती वरीदती मैं नहीं हूँ यहाँ से, बिल्कुल भी नहीं, बहुत कम, अगर कोई पसंद आ जाए तो। गर्मी वाले है ना गुला कड़ा वाला? हाँ नहीं लिया। अच्छा इधर से लिया? नहीं 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 नहीं, वो आगे से लिया था, आगे था वो, अंदर से लिया। बता रही है सुमन की अब शादी आनी है, तो फिर यहाँ से तो ये कपड़े वगैरह ज्वेलरी वगैरह देखेंगे, कपड़े भी डिसाइड नहीं हुए, ज्वेलरी देखने लगती हूँ। कलर ज़्यादातर नहीं मिलते, ये मुझे वो सूट लग रहा है, स्कार्फ वगैरह, स्टॉलर वगैरह। हाँ ऐसे इस तरह सॉक्स पहन लेती हूँ, सॉक्स पहन के ना तो ये हील नहीं गया, मैं पहन लेती हूँ। मम्मा इस तरह के स्टूल मुझे चाहिए। भाई स्टूल कैसे दे रहे हैं?
मुझे ये कुछ कुशन भी चाहिए रूम में ना लगाने के लिए, तो मैंने रूम रेनोवेट करना है, तो फिर देखेंगे। विदाउट इंटरनेट इतनी बुरी है, कसम से चक्कर आ रहे हैं मुझे। जब से पता चला कि 2 घंटे बाद इंटरनेट आएगा, मैंने कहा मैं जा रही हूँ बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। इधर ढूंढती हूँ अपनी शॉप जहाँ से मैं लौट करवा लूँ, जितनी देर नहीं आता उतनी देर थोड़ा पिता मुझे चाहिए। ये वाले स्टोर्स कैसे हैं, इसके भी प्राइस पूछ लें। ये मुझे चाहिए, अल्लाह कितनी प्यारी है। हम रखेंगे बड़ी अच्छी जगह। हाँ आज विजय की फैमिली पंचकनी गई थी और वहाँ से 3 अक्टूबर को वापस आई थी, ठीक है ना। तो फिर मार्केट गए, फिर वापस हाँ गर्मी में, तो अल्लाह ये मेरे बगैर रह सकती है लेकिन ऐसे के बगैर नहीं रह सकती। ये कलर मुझे बड़ा पसंद आया। आपने बोला था मैंने पसंद किया, फिर इस हिसाब से फिर ये ड्रेस तो मेरा हुआ। ज्यादा शौकी ना हो बच्ची, क्यों शौकी हो गई आप में मेरे में कोई फर्क है? बहुत फर्क है, आप बच्ची हो मैं बेचारी। नहीं मतलब माँ बेटी एक होती है, तो एक ड्रेस के पीछे आप मुझे ये बोले कि हम एक नहीं है। नहीं नहीं हम एक है, लेकिन ये सूट मेरा है। यार मैं आपको कोई कमी है सूटों की, आप कोई भी ले सकती हैं। नहीं नहीं कमी कोई नहीं है मुझे, मैं जरा सर्दी की कलेक्शन जो है ना इकट्ठी कर लूँ फिर मैं दिखाऊंगी। मुझे भी पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, किसी से भी उधार ले सकती हूँ। नहीं नहीं। ये आजकल डायलॉग बड़ा फेमस अच्छा। है वो, मैं तो खरीद लूंगी, मुझे कोई मसला नहीं है, पैसे की कमी मुझे नहीं है, मैं किसी से भी उधार ले सकती हूँ। अरे नहीं नहीं, नहीं नहीं ये नहीं करना, खबरदार ऐसा नहीं करना। अब देखो तुम्हें शादी आ रही है ना, मैंने कितनी शॉपिंग। हाँ अब शादी आनी है, मेरी कजन की शादी आनी है और वहाँ पे मैंने बहुत अच्छी शॉपिंग करनी है। और बाकी आपको पता है मुझे शॉपिंग व्लॉग्स मेरे ज्यादातर वो ही होते हैं, अब शादी वाले व्लॉग्स होंगे ना, बहुत मजा आने वाला है। घर की शादी है तो बहुत मजा आने वाला है, तो सारी तैयारियां करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। तैयारियां दिखाएंगे, शादी में व्लॉग बनाएंगे, बड़ा मजा करेंगे, एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। तुम्हें तो पता मैंने तुम्हें हमेशा कितने अच्छे शादी, मेरे पास तो बड़ी अच्छी अच्छी कलेक्शन है। अभी तो मतलब शादी में टाइम है वो सर्दी में होगी, और सर्दी के अकॉर्डिंग मुझे बड़े अच्छी बहुत अच्छी किस्म की नेक्स्ट लेवल की मुझे शॉपिंग करनी है। ओके देखना मैं क्या करती हूँ, तुम मुझे बताओ कि तुमने अपनी सिस की शादी में कैसे कपड़े पहने। मैंने अपनी बहन की शादी में कर दिया था मैंने एंड, देखो कितने बहुत एक्सपेंसिव शॉपिंग की थी, मुझे याद है अभी भी। एब्सोल्युटली नॉट, होगा डिफरेंट, डिफरेंट होगा इस बार तो, मैं डिफरेंट हट कर आने वाली हूँ, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल माहौल। लड़कियाँ हर बार ये क्यों कहती है इस बार मैं हट कर आऊंगी। हाँ इस बार है ये जरा थोड़ा सा होता है कि हमें नेक्स्ट लेवल की एक मतलब हर दफा यही होता है कुछ नया करना है, कुछ नया करना है होता है, ये नेचुरल है। नया करना है मतलब करना है, तो नया करना है, ये मैंने करना है मैं लाहौर हूँ लेकिन वैसे नहीं बोलती, ठीक है मैंने डेढ़े, मैं क्यों डेढ़े कर रही हूँ, नहीं देना सूट, नहीं सूट मेरे से ज्यादा। ये तुमने तो मुझे क्यों ऐसे कह रही हूँ, मुझे ब्लैकमेल कर रही हूँ कलर बड़ा डिसेंट है, चले आप मुझे एक अच्छा इस जैसा बनवा दें, मैं बनवा दूं
ये कलर मुझे बड़ा पसंद आया, मुझे ये कलर बहुत पसंद आया, मुझे डन करके दे, बस कह रही हूँ ना। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मेरा हर कलर पसंद था? हाँ आता है, आता है, आता है, आपकी ही पसंद आता है। तुम सारे ले लो, क्या है, आता है पसंद, मुझे बस डन कर दे। मम्मा की यार मैं क्या करूँ, इनकी चॉइस इतनी अच्छी, मैं क्या करूँ। ठीक है सोबर कलर है, ठीक है बहुत लाइट कलर है, लड़की वाले कलर नहीं है, लेकिन मुझे यही कलर पसंद है। मैं पहनती ही लाइट कलर हूँ, मुझे बड़े डिसेंट कलर पसंद आते हैं। हाँ शादियों पे मैं थोड़े से डार्क कलर पहन लेती हूँ। क्या हाँ नानी कहती थी, हाँ मैं उनके साथ जाती तो मैंने जब उनको दिखाया नहीं 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 ये नहीं ये नहीं, जब मैंने कहना ना ये मेरा है तो उन्होंने कहना ये वाला मुझे चाहिए। उन्होंने वो काम शुरू किया मेरे साथ, देख ले फिर वाला है। नानी वाली कोई आनी है ना मेरे में भी, कोई मेरी अम्मा बन गई है। हाँ जी हाँ जी बन गई बेटी, बन मेरी अम्मा ना बन है। चलो कर दो यार। अच्छा चलो भाई ले लो, क्या है? नहीं इस जैसा मुझे बना के दे, ये प्रॉमिस आप ऑन कैमरा करेंगे। मैं ऑन कैमरे पे तो है ही, मैं मतलब सुन रहे हैं ना, सुन रहे हैं आवाम, सुन रही है मैं आवाम सुने, क्या उन्हें क्या पता ये आवाज जो है फेक नहीं हो? ये मामा ही है, आप सबको पता है मामा फेक हो सकती है। नहीं 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 ये फेक नहीं है। और मैं इस वक्त बेड पे आराम फरमा रही हूँ, इसलिए तुम मेरी तरफ कैमरा कर नहीं सकती। मैं दिखा भी सकती हूँ, मैं सच में चला जाऊँ? नहीं 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 हम बता हम बता नहीं काम नहीं करते। दिखा भी सकती हूँ, मतलब पता चल सकता है कि आप ही हैं, पता चल सकता है आप ही हैं यार। मैं इतनी पागल ही हूँ, आवाम बड़ी समझदार है, मेरे से ज्यादा समझदार है, मैं उन्हें बेवकूफ नहीं बना सकती। पाकिस्तानी आवाम है। थैंक यू थैंक यू, डन छोड़ दो मेरी। चलो ठीक है डन हो गया। कुछ तो इसमें ड्राई क्लीन हुए हैं, ये ब्लैंकेट वगैरह ड्राई क्लीन हो के रखे हुए हैं मम्मा ने, तो मेरे वाली जो रजाई है वो अभी ड्राई क्लीन होगी। ये वो चेयर है जो मुझे सब कह रहे थे कि व्लॉग में दिखा देना, तो अभी ये यहाँ पे ऐसे रखी हुई है साइड पर। कसम से मैं इस वॉल को बहुत मिस करती हूँ, बट पता क्या है यहाँ पे इतना शोर होता है ना, यहाँ पे बैठ के कोई वीडियोस नहीं बना सकते, वॉइस ओवर नहीं कर सकते। इवन मैंने सोचा था कि मैं इस रूम में शिफ्ट हो जाऊँगी इस विंटर में ना, लेकिन यहाँ पे शिफ्ट होने वाला कोई चक्कर ही नहीं है। यहाँ पे इतना शोर है, यहाँ पे गेट है ठीक है एंट्रेंस का, बाहर मेन डोर जाता है, मेन गेट लगता है ये ड्राइंग रूम का ना, बाहर से एंट्रेंस आती है, तो यहाँ से इतना शोर आता है, मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पे कभी सुकून से सो सकूँगी। हाँ एयरबड्स होते हैं वो लगा सकते हैं, लेकिन एयरप्लग होते हैं यार क्या कहते हैं एयरप्लग्स, हाँ एयरप्लग्स होते हैं वो लगाती थी मैं, लेकिन हाँ उससे काम चल सकता है, बट कितनी देर चलेगा। मैं अभी यही सोच में हूँ कि मैं ये वाला रूम डेकोर करूँ या मेरा जो दूसरा वाला रूम है जो मैंने कल के व्लॉग में दिखाया था वो वाला डेकोर करूँ। वैसे देखा जाए तो ये रूम मुझे ज़्यादा प्यारा लगता है, यहाँ पे मतलब लाइट्स इसकी भी ख़राब हुई है, रॉब लाइट्स, और रॉब लाइट्स मेरे रूम में भी हैं, लेकिन मैं आई एम स्टिल कन्फ्यूज कि मुझे ये वाला रूम रेनोवेट करना चाहिए या मेरा जो अपना रूम है वो उसको डन करना चाहिए। आज का दिन थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी ये इतना कुछ मेरा बिजी नहीं था, फ्री थी, लेकिन फ्री टाइम में मैंने इतनी व्लॉगिंग भी नहीं की, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मैंने व्लॉग ज़रूर किया ताकि मुझे अब आदत रहे, मैं डेली व्लॉगिंग की तरफ आ रही हूँ, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज कुछ ना कुछ छोटा छोटा सा मिनी चाहे क्यों ना हो मैं व्लॉग ज़रूर करूँगी, ताकि मैं ज़रा वार्म अप व्लॉग्स हैं, ये दरअसल ये वार्म अप व्लॉग्स हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँ, तो इस वजह से जितना भी मैं व्लॉग कर सकी मैं वो मैंने किए। तो ये सारी मेरा सीन, तो ये था मेरा एक छोटा सा स्नीक पीक व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। कल मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।